अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यू न्यूज़, मैं हूं महरीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फ्लॉप हो गई, चेयरपर्सन एफबीआर रुखसाना यास्मीन का इतराफ, आप फील्ड में नहीं जाते इसलिए स्कीम कामयाब नहीं हुई। चेयरपर्सन ने एफबीआर पंजाब के अफसरान को डांट पढ़ा दी। डॉलर की ऊंची उड़ान से रुपए पर परेशानी, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सदा पर पहुंच गया। डॉलर इंटरबैंक में 127 और ओपन मार्केट में 128 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी 550 से ज़ायद पॉइंट्स कर गई, 40,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रह सकी। शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ख़त, नवाज शरीफ को जेल में इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म को दिल का आर्ज़ा लाहक है, ज़ाती मौलिज के बर वक्त मुआयने और अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने की इस्तदा। शहबाज शरीफ आज नैब में नहीं होंगे, नैब लाहौर ने पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी केस में तलब किया था। साबिक वज़ीर आला को मतलूबा रिकॉर्ड भी साथ लाने को कहा गया था। सानिया मस्तूम की तहकीकात के लिए फ्रांसिक टीम कोयटा पहुंच गई, फ्रांसिक टीम दरीन घर का दौरा भी करेगी। इलेक्शन में वक्त कम रह गया, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर, इमरान खान मियांवाली में 3 मकामात पर खताब करेंगे, शहबाज शरीफ स्वात जाएंगे, एमएमए ने जैकब आबाद में पंडाल सजा लिया। और फैसलाबाद में 3 साल रेहान और 7 साल अयान को कत्ल किया गया, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए, पुलिस की करीबी घरों के मकीनों से तफ्तीश जारी, 2 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.unews.tv।